का हलवा बट रहा है सर, और इसमें 73% का एक है ही नहीं सर, ये आप लोग हलवा खा रहे हो। अदानी जी और अंबानी, सॉरी A1 एंड A2 की रक्षा करनी है, मैं समझता हूँ, नो प्रॉब्लम। वो सर ऊपर से ऑर्डर आया है सर, सर ऊपर से ऑर्डर आया है सर, मैं समझता हूँ, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा सर। ही इज परमिटेड टू डिफेंड देम सर, इट इज अ डेमोक्रेसी सर, ही कैन डिफेंड देम, वी अलाउ हिम टू डिफेंड देम सर। ऐसा होता है क्या? A1 एंड A2 सर, आपके सर मान्य है सर, जब भी मैं उसको हटाना चाहता हूँ मुझे ये करना है सर, वो हटवा देखो आगे। क्या डर रहे हैं सर फोटो से? शिव जी के फोटो से डरते हैं सर, इस फोटो से डरते हैं। अभी पोस्टर नहीं आने दूंगा, गलत तरीका है सर, देश का हलवा बट रहा है सर, और इसमें 73% का एक है ही नहीं सर, ये आप लोग हलवा खा रहे हो, और बाकी देश को हलवा मिल ही नहीं रहा है। जो आपने चक्रव्यूह स्पीकर सर, जो चक्रव्यूह बनाए गए हैं, नहीं ने कोई अपमान नहीं किया, मैंने कोई अपमान नहीं किया, मैं कर नहीं सकता कभी जिंदगी भर, मरने तक मैं अपमान नहीं कर सकता। क्या बात कर रहे हो आप, क्या बात कर रहे हो? राहुल गांधी जी, थैंक यू स्पीकर सर फॉर अलाउइंग मी टू स्पीक ऑन द बजट 2024, ग्लास बजट 2024। इन माय लास्ट स्पीच आई स्पोक अबाउट सम concepts, religious concepts, Shivji's concept of ahimsa, the fact that the trishul is placed behind the back and is not held in the hand. I spoke about the snake on Shivji's neck, and I also said how all religions in our country propose the idea of non-violence and can be encapsulated in the phrase daro mat darao mat. And I also said that there is an idea beyond the personal, the idea of the Abhay Mudra, that transmits this notion of ahimsa and affection and fearlessness to everybody else. Speaker sir, as I said in my speech, there is an atmosphere of fear. Dar ka mahol hai Hindustan mein. And that fear has pervaded every aspect of our country. My friends are smiling, but they are also scared. They are scared. Sir, main aa raha hu, sir. Budget hai, sir. Budget pe bol raha hu, sir. Sir, you see, the problem is, sir, in the BJP, only one man is allowed to dream to be Prime Minister. If the Defense Minister decides he wants to be Prime Minister, there's a big problem, there is fear. So this fear has been spread throughout the country, and the question I was asking myself was, why is this fear spreading so deeply? Why is it that my friends in the BJP are terrified, the ministers are terrified, the farmers of India are terrified, workers, youngsters. And I, इसके बारे में मैंने सोचा, काफी सोचा, और एक जवाब मैं प्रपोज करता हूं आज. स्पीकर सर, हजारों साल पहले हरियाणा में कुरुक्षेत्र में
एक युवा को, अभिमन्यु को, छह लोगों ने चक्रव्यूह में मारा था, छह चक्रव्यूह में फंसाकर मारा था। सर, चक्रव्यूह के अंदर डर होता है, हिंसा होती है, और अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर, ट्रैप कर छह लोगों ने मारा। मैंने चक्रव्यूह के बारे में थोड़ी रिसर्च की और पता लगा कि चक्रव्यूह का एक दूसरा नाम होता है पद्मव्यूह, मतलब लोटस फॉर्मेशन। तो जो चक्रव्यूह होता है स्पीकर सर, वो लोटस के शेप में होता है, कमल के फूल के शेप में होता है। 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है स्पीकर सर, वो भी लोटस की शेप में है सर, और उसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी अपनी छाती पर लगा के चलते हैं। सर, जो अभिमन्यु के साथ किया गया था, जो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था, वही हिंदुस्तान के साथ किया गया है, हिंदुस्तान के युवाओं के साथ, हिंदुस्तान के किसानों के साथ, हमारी माताओं बहनों के साथ, स्मॉल बिजनेसेस के साथ, मीडियम साइज बिजनेस के साथ। सर, अभिमन्यु को छह लोगों ने मारा था, उनके नाम द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और शकुनी। सर, आज भी चक्रव्यूह के बीच में छह लोग हैं। सर, चक्रव्यूह के बिल्कुल सेंटर में, चक्रव्यूह में हजारों लोग होते हैं सर, मगर उसके बिल्कुल सेंटर में छह लोग कंट्रोल करते हैं। तो जैसे उस टाइम छह लोग कंट्रोल करते थे, वैसे आज भी छह लोग कंट्रोल कर रहे हैं चक्रव्यूह को। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भगवत जी, अजीत डोभाल जी, अंबानी और अदानी जी कंट्रोल कर रहे हैं। प्लीज, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, प्लीज, नहीं सर, बोलने दीजिए। हाँ, आप बैठिए। माननीय सदस्य, आप संवैधानिक पद पर हैं, आपके कई माननीय सदस्यों ने यहाँ पर मुझे लिख कर दिया है कि जो माननीय सदस्य सदस्य का सदस्य नहीं है उसका नाम नहीं ले। आपने लिख के दिया है। आपने क्या, आप उसकी पालना करना चाहते हो? सर, गलत। मैं माननीय सर, एक मिनट, होल्ड ऑन। सर, अगर आप चाहते हैं तो मैं एक मिनट, मैं प्रतिपक्ष के नेता से ये तो अपेक्षा करूंगा सही कि वो सदन की नियम प्रयादा और मर्यादा को बने, ये अपेक्षा करता हूँ। आप चाहे नहीं करें, पर मैं अपेक्षा करता हूँ। नहीं सर, मैं, अगर आप चाहते हैं सर, मैं एनएसए का और अदानी और अंबानी का नाम इस लिस्ट से निकाल देता हूँ। फिर माननीय सदस्य, अगर आप चाहते हैं, प्लीज, मैं नहीं चाहता, सदन के नियम प्रक्रियाओं से सदन चलता है। सर, अगर आप कहते हैं मैं निकाल देता हूँ। नो नो सर, मैं तीन ही नाम यूज़ करूँ। नहीं माननीय सदस्य, नहीं नहीं कहा, और आप सब प्लीज, ये आप समझाइए। स्पीकर सर, द चक्रव्यूह दैट हैज कैप्चर्ड इंडिया हैज थ्री फोर्सेस बिहाइंड इट। फर्स्ट इज द आइडिया ऑफ मोनोपोली कैपिटल, दैट टू पीपल should be allowed to own the entire Indian wealth. So one element of the Chakravyuh is coming from the concentration of financial power. The second element, sir, main budget ko explain kar raha hu sir, main aa raha hu sir. So one element is financial power. The second element is the institutions, the agencies, CBI, ED, Income Tax Department of this nation, and the third is the political executive. Speaker sir, these three together are at the heart of the Chakravyuh, and they have devastated this country. Speaker sir, my expectation was that this budget
would weaken the power of this Chakravyuh. That this budget would help the farmers of this country, would help the youth of this country, would help the laborers, the small businesses of this country. But what I have seen is that this budget, the sole aim of this budget is ki jo niyat hai, it is to strengthen this framework, the framework of big business, monopoly business, the framework of a political monopoly that destroys the democratic structure, and finally the framework of what one can call the deep state or the agencies. And the result of this has been pehla kaam is Chakravyuh ne kya kiya jo Hindustan ko rozgar dete hain, small and medium businesses hain jo karodon yuvaon ko rozgar dete the, un par is Chakravyuh ne aakraman kiya. Kaise kiya? Notbandi, GST aur tax terrorism. Aap log aatankwad ki baat karte ho, pure desh mein agar koi bhi vyakti chota business chalata hai to raat ko usko phone call aata hai income tax department se, GST se, aur tax terrorism ka wo shikar ban jata hai. Is tax terrorism ko rokne ke liye budget mein aapne kuch nahi kiya hai. तो टैक्स टेररिज्म के कारण और ये जो आपकी नीतियां हैं जो आपने कोविड के समय बड़े बिजनेसेस की मदद की और जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस थे उनको खत्म किया, उसके कारण आज हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता है. बिल्कुल एक युवा को रोजगार नहीं मिल सकता है. अब फाइनेंस मिनिस्टर बैठी है, अब युवाओं के लिए आपने क्या किया? बजट में आपने इंटर्नशिप प्रोग्राम की बात करी और यह शायद एक मजाक है क्योंकि आपने कहा कि इंटर्नशिप प्रोग्राम सिर्फ हिंदुस्तान की 500 सबसे बड़ी कंपनियों में होगा और 99% जो हमारे युवा हैं उनको इस इंटर्नशिप प्रोग्राम से कुछ लेना देना नहीं, कोई फायदा नहीं होने वाला है. तो आपने पहले टांग तोड़ दी और उसके ऊपर आप बैंडेड लगाने की कोशिश कर रहे हैं. मेन मुद्दा आज युवाओं का एग्जाम पेपर लीक है. जहां भी हम जाते हैं, आपने बेरोजगारी का चक्रव्यूह बना दिया इनके लिए और जहां भी हम जाते हैं वो कहते हैं देखिए बेरोजगारी है मगर पेपर लीक भी होता है. तो आपने एक साइड पेपर लीक चक्रव्यूह, दूसरी साइड बेरोजगारी चक्रव्यूह. पेपर लीक मैं आपको बताता हूं 10 साल में 70 बार हुआ है. अगर आप जानना चाहते हैं 10 साल में 70 बार हुआ है. तो सर तो पेपर लीक के बारे में फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट में एक शब्द नहीं कहा है. युवाओं के लिए पेपर लीक सबसे जरूरी मुद्दा है, उन्होंने एक शब्द नहीं कहा है पेपर लीक के बारे में. एक बार उन्होंने पेपर लीक नहीं कहा और उल्टा जो एजुकेशन बजट में पैसा देना चाहिए था वो आपने 20 साल में सबसे कम पैसा दिया है. 2.5% ऑफ बजट इज गॉन टू एजुकेशन. सर दूसरी तरफ आपने पहली बार सेना के जवानों को आपने अग्निवीर के चक्रव्यूह में फंसाया. सही बात. इस बजट में अग्निवीरों के पेंशन के लिए एक रुपया नहीं है. आप
आप अपने आप को देशभक्त कहते हो, मगर जब अग्निवीरों की मदद करने की बात आती है, जवानों को पैसा देने की बात आती है, तो बजट में आपको एक रुपया नहीं दिखाई देता। उनकी पेंशन के लिए एक रुपया आपने नहीं दिया। तो उनको आपने अग्निवीर के चक्रव्यूह में फंसाया। उसके बाद सर, जो अन्नदाता है वो चक्रव्यूह से निकलने के लिए, आपके चक्रव्यूह से निकलने के लिए जो आपने बनाया, तीन काले कानून, जमीन अधिकरण बिल को आपने कमजोर किया, उनको आप सही दाम नहीं देते हो। इस चक्रव्यूह से निकलने के लिए उन्होंने आपसे सिर्फ एक चीज मांगी है, दो चीजें नहीं मांगी है, सिर्फ एक चीज मांगी है। उन्होंने कहा है कि हमें लीगल गारंटीड एमएसपी दे। आपने उनको बॉर्डर पे बंद कर दिया, रोक दिया, आज तक रोड बंद है। आप उनसे बात करने को तैयार नहीं है। वो यहां आए, मुझसे मिलने आए, आप उनको अंदर नहीं आने दे रहे थे। माननीय सदस्य, आप सदन में असत्य नहीं कहे। आप वो एक मिनट, चलिए सर मैं आपको फैक्ट बताता हूं, फिर आप मुझे करेक्ट कर दीजिए स्पीकर सर फार्मर्स का डेलीगेशन, पर आपके माननीय सदस्यों को कह दें वो सदन पर आरोप नहीं लगाए। स्पीकर सर, हुआ क्या? वहां पे सर मुझसे मिलने एक फार्मर का डेलीगेशन आया। मुझे बताया गया कि फार्मर के डेलीगेशन को अंदर नहीं आने देंगे। मैं उनसे मिलने जब गया, तब उनको अंदर आने के दिया गया था। सर ये फैक्ट है सर। अब पता नहीं कोई मिसकम्युनिकेशन हुआ, वो अलग बात है, बट फैक्ट ये है कि जब मैं मीडिया के साथ वहां गया, तब दरवाजे पार्लियामेंट के, संसद के, उनके लिए खुले, उससे पहले वो बंद थे। ठीक है। और ये आप उनसे भी पूछ लीजिए सर। प्लीज, एक मिनट प्लीज। आपने विषय उठाया इसलिए मैं बोल रहा हूं। ऐसे तो सदन की व्यवस्थाओं पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। किसको आने दें, एक मिनट प्लीज बैठिए, किसको आने दें, किसको अलाउ नहीं करने दें, ये स्पीकर का ज्यूरिडिक्शन होता है। नंबर एक, जब ये सूचना आई आप मिले, उनसे अंदर मिले, लेकिन उसमें एक सदन की मर्यादा का उल्लंघन हुआ कि कभी भी सदन में माननीय सदस्य के अलावा दूसरा कोई व्यक्ति बाइट नहीं दे सकता। हाँ, और आपकी मौजूदगी में उन्होंने बाइट दी, ये क्लियर करना चाहता हूँ। सर ये टेक्निकलिटी है सर, ये मुझे मालूम नहीं था, कोई बात नहीं। बट सर प्लीज नो, माने सर आप मत बोलिए, आपके नेता बोल रहे हैं। तो स्पीकर सर, ये आपको बेटे बेटे कौन से करने का अधिकार है? माननीय प्रतिपक्ष के नेता आपके बेटे बेटे सदस्य कमेंट्री कर रहे हैं, फिर वो कहते हैं इधर के लोग क्यों कमेंट्री कर रहे हैं? हम चाहते थे, हमारा एक्सपेक्टेशन था कि जो अन्नदाता है, जो सरकार से सिर्फ एक चीज मांग रहा है, लीगल गारंटीड एमएसपी, हमें लगता था कि ये कोई बड़ा काम नहीं है सर, ये इतना बड़ा काम नहीं है। हमें लगता था कि अगर सरकार बजट में इसका प्रोविजन कर देती, अगर बजट में इसका प्रोविजन कर देती, तो जो हमारे किसान है, जो चक्रव्यूह में, आपके चक्रव्यूह में फंसे हैं, वो निकल पाते। ये हमारी थिंकिंग थी, मगर आपने नहीं किया। तो मैं यहां इंडिया गठबंधन के तरफ से गारंटी देता हूं कि हम ये काम करके दिखा देंगे। जो आपने अपने बजट में नहीं किया,
वो मैं हिंदुस्तान के सब किसानों से कहना चाहता हूं, गारंटीड लीगल एमएसपी हम इस सदन में पास करके आपको देंगे। स्पीकर सर, जो मिडिल क्लास है सर, वो प्रधानमंत्री को, अच्छी बात बोलो, आप बैठे बैठे चिट्ठी आप मत करो, आप करोगे तो वो भी करेंगे, आप मत करो, मैं सब साइलेंट करो प्लीज। फिर टिप्पणी कर रहे हो आप, प्लीज माने सर। सर मिडिल क्लास जो है वो शायद इस बजट से पहले प्रधानमंत्री को सपोर्ट करता था। जब प्रधानमंत्री ने कोविड के समय उनसे थाली भजवाई थी तो उन्होंने दबा कर थाली बजाई, धड़ 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 थाली बजाई। हमें अजीब लगा, मगर प्रधानमंत्री ने मिडिल क्लास को ऑर्डर दिया तो मिडिल क्लास ने थाली बजाई। उसके बाद प्रधानमंत्री ने उसी मिडिल क्लास से कहा मोबाइल फोन की लाइट जलाओ, और मोबाइल फोन की लाइट जली। मिडिल क्लास ने, पूरे हिंदुस्तान में मिडिल क्लास ने मोबाइल फोन की लाइट जला दी। अब इस बजट में आपने उसी मिडिल क्लास के एक छुरा पीठ में मारा, दूसरा छुरा छाती में, एक इधर मारा और एक इधर मारा। इंडेक्सेशन जो आपने कैंसिल की वो पीठ में छुरा था, और जो कैपिटल गेन्स टैक्स आपने बढ़ाया वो छाती में छुरा था। आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को 10% से 12.5% किया, यहां छाती मारी, यहां छुरी मारी, और शॉर्ट टर्म को 15-20% छुरी मारी। दुख की बात है, मगर इसमें एक इंडिया गठबंधन के लिए एक हिडन बेनिफिट है, मिडिल क्लास अब आपको छोड़ने जा रही है और इस साइड आ रही है। तो मेरा कहना है, जहां भी आपको मौका मिलता है आप चक्रव्यूह बना देते हो, एक चांस मिलता है आप चक्रव्यूह बना देते हो। हम चक्रव्यूह तोड़ने का काम करते हैं। हमारे बजट में किसान का कर्जा माफ हुआ, चक्रव्यूह तोड़ा, मनरेगा हुआ, चक्रव्यूह तोड़ा। तो हम चक्रव्यूह तोड़ने का काम करते हैं, आप चक्रव्यूह बनाने का काम करते हो। आप चाहते हो कि हिंदुस्तान छोटे 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 खांचों में रहे और हिंदुस्तान के गरीब लोग सपना ना देख पाए, सिर्फ अदानी और अंबानी। अरे क्या सर, सर मैं सर कैसे बोलूं सर? माननीय सदस्य एक मिनट, माननीय सदस्यगण, आपके एक मिनट, आपके उपनेता मुझे लिखित में पत्र देके गए हैं कि कोई भी माननीय सदस्य जो इस सदन का सदस्य नहीं उसके बारे में टिप्पणी ना करें, लिखित में देखे गए, इसलिए आपको स्पीकर सर। तो अगर सर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, मेरे से सवाल मत नहीं पूछ सकते आप, सॉरी सर। हाँ। सर तो सर मैं फिर मैं सर 3 और 4 कह देता हूँ उनको, 3 और 4 ठीक है सर। अब नाम नहीं ले सकता तो कुछ तो कहना पड़ेगा सर, 3 और 4 कह देता हूँ, कोई और नंबर दे मान्य सदस्य को बता दे क्यों लिख के चिट्ठी गए गए मुझे। सर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री पर जब इस प्रकार के आक्रमण करते हैं, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री के संदर्भ पर हमको आपने चिट्ठी भेजी, एक पूर्व मुख्यमंत्री को आप 2 उद्योगपति से जोड़ना चाहते हैं, एक किसान नेता जो हरियाणा के आज उन पर आपको अलाउ किया है, जोड़ना चाहते हैं मर्यादा हरियाणा के, आप ये चिट्ठी मुझे लिख के गए उसकी मर्यादा का ये आपको बोलने नहीं दे रहे, ये आपको बोलने दे रहे। आपसे मेरी ये अपेक्षा है, आपसे आप सदन, एक मिनट प्लीज, आप सदन के नेता, सदन के आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, ये सदन की अपेक्षा रहती है कि हम सदन का डेकोरम डिसिप्लिन और उसको बढ़ा के रखें। स्पीकर सर इसलिए आप जो विषय रखे वो नियम प्रक्रिया में रखें। स्पीकर सर, सर मगर मैं ये कैसे कहूं इन लोगों के, इनका इंडिकेशन कैसे दूं मैं सर, आप मुझे बता दीजिए सर, कोई दूसरा तरीका हो सर, नाम नहीं लेने हो तो कोई और तरीका दे दीजिए सर। अच्छा एक मिनट,
आप ज्ञान मत बांटो उनको, वो ज्ञानी है। सर A1 A2 चलेगा सर, A1 A2